ओके, आप करा रहे हैं दोनों के बीच में थगो फॉर, देखिएगा इन दोनों में से कौन सी कार है सबसे ये, तो इसको गोल गोल घुमा रही है। ओह माय गॉड, यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैंने जो रस्सी बांधी थी ये पूरी तरीके से टूट गई यार। इतनी मजबूत रस्सी कैसे टूट गई भाई, देखो। मेरा नाम है रयान, आज की वीडियो में एकदम तगड़ी वाली फाइट कराएंगे बहुत बड़ी बड़ी आरसी कार्स के साथ। ये है ट्रैक्सस एक्स मैक्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि इसकी फाइट ट्रैक्सस स्लेज के साथ कराने के लिए, आज हम लोग यही करेंगे गाइस। और स्लेज के साथ साथ आज बहुत सारी आरसी कार्स की भी मैं फाइट कराने वाला हूँ। ये है WL टॉयज की जीप, ये है रॉकेट DT के 16 आरसी कार, और ये तो आपको पता होगा इस टोर्नेडो आरसी कार है। चलो फटाफट से करते हैं इन सभी की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं फाइट, देखेंगे आज ट्रैक्सस एक्स मैक्स के सामने ये सभी कार स्टिक पाती है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो यार पिछली बार जब मैं स्लेज को टेस्ट कर रहा था, इसकी टक्कर मैंने ट्यूबलाइट्स के साथ कराई थी, तब इसका व्हील पूरी तरीके से फट गया था यार, यहाँ से आप देख सकते हो। तो मैंने इसके व्हील्स भी चेंज कर दिया, इसके साथ हम लोगों को हैमर हेड वाले व्हील्स मिले थे। चलो फटाफट से यहाँ से मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। दो व्हील्स मैंने चेंज कर दिए हैं, बॉक्स इसका काफी ज्यादा बड़े साइज का यार। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, ये रही इसकी एक बैटरी, ये रही गाइस इसकी दूसरी वाली बैटरी। आज स्लेज के अंदर हम लोग दो दो बैटरीज डालकर इसको चलाने वाले। तो अब निकालते हैं हमारी ट्रैक्सस स्लेज को। ये लोग गाइस आ गई हमारी ट्रैक्सस स्लेज। ये ट्रैक्सस स्लेज के अंदर इतने ढेर सारे टूल्स भी हम लोगों को मिलते हैं, और वारंटी कार्ड भी मिलता है, और बहुत सारे स्टिकर्स भी मिलते हैं। सामने के व्हील्स मैंने दोनों कॉपर हेड वाले लगा दिए यार, दोनों के दोनों व्हील्स जो है ये कम्प्लीटली आर्मा के व्हील्स मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए। पीछे के व्हील्स वही पुराने वाले स्लेज हैमर वाले व्हील्स ही पीछे के मैंने रख दिए हैं। एक व्हील जो है मेरे को यार 5000 रुपीस में मिला। कार का प्राइस तो आपको पता होगा गाइस, मैंने इसको 1 लाख रुपीस में खरीदा था। फटाफट से इसके अंदर जो हार्डवेयर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रैक्सस स्लेज का अंदर का हार्डवेयर है। तो गाइस साइड बाय साइड दोनों कार्स को मैंने रख दिया है। ट्रैक्सस एक्स मैक्स के ऊपर का कवर हटा देते हैं। ओह माय गॉड, ये कार देखो यार सच में बीस्ट है भाई। स्लेज इसके सामने थोड़ी सी छोटी लग रही है। यहाँ पे दोनों के व्हील्स आप देख सकते हो, व्हील्स के अंदर भी काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मोटर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस दिया गया है, जैसे कि इसकी ये मोटर आप देख सकते हो, मोटर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा फैन दिया गया है, मोटर का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है, पर दोनों के अंदर ESC बिल्कुल सेम वाला दिया गया है। तो ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, ऑलमोस्ट आपको प्लास्टिक में देखने को मिल जाएगी, पर इसकी चैसिस मेटल की बनी हुई है गाइस, ये एक इसके अंदर प्लस पॉइंट मेरे को लगता है। यहाँ पे इसकी मोटर दी गई है, मोटर के ऊपर कोई भी फैन देखने को नहीं मिलता है, मोटर का साइज काफी ज्यादा बड़े साइज का यार। यहाँ पर इसका ESC वगैरह दिया गया है, यहाँ पर इसका सर्वो है, सर्वो काफी सही क्वालिटी का मेरे को लगता है। आपको पता होगा आर्मा का सर्वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, मैं उसका सर्वो भी खरीदने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके सस्पेंशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने उतार लिया यार इसको नीचे, ये देखो भाई इसके सस्पेंशन कितने ज्यादा तगड़े और बाउंसी दिए गए हैं। सामने इसके अंदर इतना बड़ा वाला एक एंटी कोलिजन बम्पर भी दिया गया है। तो यार ये कार अभी मैं थोड़ा सा पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ भाई, पीछे की तरफ देखो यहाँ पे है व्हीली बार। व्हीली बार अगर यार स्लेज में भी होता तो मजा आ जाता। पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा एंटी कोलिजन बम्पर इसके अंदर भी दिया गया है, और पीछे के भी सस्पेंशन आप देख सकते हो भाई कितने ज्यादा बड़े साइज के सस्पेंशन इसके अंदर लगाए गए हैं। अब फ्लाई हॉल टोर्नेडो आरसी कार को अनबॉक्स करते हैं। ये भी एक्चुअल में एक मॉन्स्टर आरसी कार है, जैसे कि हमारी ट्रैक्सस एक्स मैक्स है, पर इसका साइज ट्रैक्सस एक्स मैक्स के सामने थोड़ा सा छोटा नजर आपको आ सकता है, क्योंकि ये 1:10 स्केल मॉडल पे बनाई गई है, और ट्रैक्सस एक्स मैक्स 1:6 स्केल मॉडल को यहाँ पे रख देते हैं। ये रही गाइस हमारी कार, यहाँ पे टोर्नेडो बोल के दिया गया, इसके अंदर भी 550 की हाई स्पीड मोटर दी गई है, और ये कार को भी हम लोग ऑफ रोड में चला सकते हैं। व्हील्स काफी अच्छे खासे और बहुत ही स्मूथ व्हील्स इसके अंदर दिए गए। सामने एंटी कोलिजन बम्पर है, पीछे की तरफ से ये मॉन्स्टर ट्रक ऐसी दिखाई देती है यार। ये कार कंप्लीटली ऑफ रोड में चलाने के लिए बनाई गई है। सस्पेंशन भी आप देख सकते हो कितने ज्यादा स्मूथ दिए गए हैं। गाइस चलो अभी कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखें गाइस आज की फाइट में कौन सी कार जीतती है। लेट्स गो एंड फाइट। गाइज मैं आ चुका हूँ बाहर, और सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। इन सब में सबसे खतरनाक ट्रैक्सस एक्स मैक्स 8 ऐसी लग रही है, तो फटाफट पहले इसको मैं टच करके दिखा देता हूँ। ये कार रोड और बहुत अच्छे तरीके से व्हीली कर सकती है, पर मैंने आज इसके अंदर एक और स्टंट सीखा है। ये लो गाइस साइड फ्लिप भी ये कार कर सकती है भाई, मजा आ गया इसको चला के। अब ट्रैक्सस स्लेज को टच करके देखते हैं, व्हीली बार नहीं होने के बावजूद भी ये कार बहुत अच्छे तरीके से व्हीली कर सकती है, पर इसका जो स्पॉइलर है ये थोड़ा सा घिसने लगा यार बार बार व्हीली करने के कारण। ये एक दिक्कत है कि मेरे को ये कार के अंदर बाकी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रही है। आप रॉकेट DT के 16 आरसी कार को टेस्ट करके देखते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कार चलाने के बाद जब हम इसको चलाते हैं तो यार ये खिलौने जैसी दिखाई देती है, पर इसके साइज पे बिल्कुल भी मत जाना गाइस। तो अब चलो मैं रेस कराने वाला हूँ ट्रैक्सस एक्स मैक्स वर्सेस टोर्नेडो आरसी कार के बीच में। मेरे को लगा था कि यार इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टफ फाइट होगी, पर क्लियरली यहाँ पर ट्रैक्सस एक्स मैक्स बहुत आसानी से जीत चुकी थी। फिर मैंने ट्रैक्सस एक्स मैक्स की रेस रॉकेट DT के 16 आरसी कार के साथ भी करा के देखी है, यहाँ पे भी ट्रैक्सस एक्स मैक्स बहुत आसानी से जीत चुकी थी रेस।
अब मैं रेस कराने वाला हूँ एक्समैक्स वर्सेस स्लेज के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार जीतती है इस रेस को। पहले यहाँ पे स्लेज आगे निकल गई थी पर एक्समैक्स ने इसको ओवरटेक कर दिया है। फिर राउंड 3 में क्लियरली आप देख सकते हो स्लेज बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। यहाँ पे एक्समैक्स पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करके आगे जाने के लिए, पर यहाँ पे अभी तक 2 राउंड में जीत चुकी है स्लेज आरसी कार। आप देखते हैं गाइस कौन जीतता है। यहाँ पे भी क्लियरली स्लेज है विनर। मेरे को नहीं लगता गाइस एक्समैक्स इससे जीत पाएगी क्योंकि ये एक्समैक्स कार बहुत ज्यादा भारी भरकम है। ये कार जितनी भारी भरकम है उतनी ज्यादा मजबूत भी। अभी आप लोगों ने देखा होगा ये कितनी जोर से पेड़ से टकराई थी यार, पर देखो ये कार को कुछ भी नहीं हुआ यार। इसकी क्वालिटी एक नंबर है। अब मैं ऑफ रोड में रेस कराने वाला हूँ स्लेज वर्सेस एक्समैक्स के बीच में। स्लेज को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि इसके व्हील्स एक्समैक्स के मुकाबले में थोड़े से छोटे हैं, और यहाँ पे मैंने क्लाइंबिंग भी करा के देखी है। क्लियरली यहाँ पर एक्समैक्स बार बार जीत रही थी ऑफ रोड में, तो यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि एक्समैक्स जो है ऑफ रोड किंग है और स्लेज जो है रोड की किंग है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अभी आमने सामने वाली फाइट कराते हैं, देखते हैं पावर के मामले में कौन सी कार जीती। यहाँ पे स्लेज एक्समैक्स को उठा के फेंकने की पूरी कोशिश कर रही थी पर यहाँ पे दोनों के बीच में टाई हो चुका। अभी राउंड 2 करा देंगे, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार जीती है। सरप्राइजिंगली स्लेज ने एक्समैक्स को हरा के रख दिया यार, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा भाई। अब कराते हैं दोनों के बीच में थग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाली लड़ाई चल रही है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। एक्समैक्स अब प्रॉपर तरीके से नजर आने लगी है। यहाँ पे स्लेज पूरी कोशिश कर रही है व्हीली करके एक्समैक्स को रोकने के लिए, पर एक्समैक्स धीरे धीरे करके इसको खींच के लेके जा रही है। भाई एकदम बवाल चीज है दोनों की दोनों कार, देखो यार कितनी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ा रही है यहाँ पे स्लेज एक्समैक्स के ऊपर पूरी तरीके से। यहाँ पे एक्समैक्स भारी पड़ती भी मेरे को लग रही है स्लेज के ऊपर, देखो यार ये तो इसको गोल गोल घुमा रही है। ओह माय गॉड, यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैंने जो रस्सी बांधी थी ये पूरी तरीके से टूट गई यार। इतनी मजबूत रस्सी कैसे टूट गई भाई, देखो चार चार रस्सियां मैंने बांध रखी थी। ओह माय गॉड, ये मैं हाथ से बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहा हूँ यार, इतनी ज्यादा मजबूत रस्सी मैंने बांधी थी यार। इसी से पता चलता है कि ये दोनों कार कितनी ज्यादा पावरफुल। स्लेज की हालत देखो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, हर एक पार्ट में से मिट्टी मिट्टी निकल रही है, और एक्समैक्स की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है यार। अब ये ट्रैक्सेस एक्समैक्स का रिमोट है, इसकी पावर मैं आधी कर देता हूँ यार। यहाँ पे नॉब को मैंने सेंटर में रख दिया है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी 50% पावर जाने वाली है। एक तरफ मैंने तीनों कार्स को बांध दिया है और दूसरी तरफ सिंगल ट्रैक्सेस एक्समैक्स को बांध दिया है। देखते गाइस सिंगल एक्समैक्स आधी पावर में इन तीनों को हरा पाती है या नहीं। भाई सच में एक्समैक्स बवाल चीज है यार, आधी पावर में भी भाई इसने तीनों तीनों कार्स को इकट्ठा हरा के रख दिया। ये तीनों कार्स भी कोई नॉर्मल कार्स नहीं है यार, इनके अंदर 550 की ब्रशलेस मोटर दी गई है। फिर एक्समैक्स ने यार आधी पावर में इन तीनों को धूल चटा के रख दिया पूरी तरीके से। अब ये स्लेज का रिमोट है, इसकी भी पावर मैं आधी कर देता हूँ और तीनों कार्स को एक सेट मैंने बांध दिया है और सिंगल स्लेज को दूसरी तरफ बांध दिया है। देखते हैं गाइस क्या स्लेज तीनों को इकट्ठा हरा पाती है या नहीं, देखते हैं क्या ये ट्रैक्सेस एक्समैक्स जितनी पावरफुल है भी या फिर नहीं। ये कार भी तीनों को भाई आराम से खींच के लेके जा रही है, पर इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी एक्सट्रीम ऑफ रोड टेस्ट में करने वाला हूँ। यहाँ पे टोर्नेडो आरसी कार को बड़े बड़े पत्थरों पे मैं चलाने की कोशिश कर रहा था, पर ये पत्थर इतने ज्यादा बड़े कि भाई टोर्नेडो यहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी। पर ट्रैक्सेस को जब मैंने यहाँ पे चला के देखा तो यार ये एक्समैक्स बड़ी आराम से यहाँ से निकल रही थी। अभी देखो यार ये गिरते गिरते रह गई है, ये मामला पूरी तरीके से इसके TSM ने संभाल लिया है। भाई ये कार को TSM गिरने ही नहीं देता यार, इतनी ज्यादा कमाल की टेक्नोलॉजी यूज की गई है ये कार के अंदर। अब सेम जगह पर मैंने स्लेज को भी चला के देखा है, स्लेज भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, पर ये थोड़ी थोड़ी जगह फंस रही थी यार क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियर ट्रैक्सेस एक्समैक्स के मुकाबले में थोड़ी सी कम दी गई है। अब रैंप जंप टेस्ट करते हैं, सबसे पहले ट्रैक्सेस एक्समैक्स को मैं जंप कराने वाला हूँ, देखते हैं कि कितनी दूर तक जंप कर पाएगी। जंप तो इसने काफी परफेक्टली किया था यार, पर लैंडिंग इसकी बड़ी खराब थी यार, मुंह के बल ये गिरी है। भाई साहब इस स्लेज को टेस्ट करके देखते हैं ये कितनी दूर तक जंप कर पाएगी। ये बिल्कुल ट्रैक्सेस एक्समैक्स जितनी दूर जंप की है, पर इसकी लैंडिंग काफी ज्यादा परफेक्ट थी भाई, मजा आ गया। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट टेस्ट करते हैं गाइस, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार सबसे बढ़िया तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। स्लेज ने पूरी तरीके से यहाँ पे तूफान मचा रखा है और एक्समैक्स भी कुछ कम है नहीं गाइस। देखो भाई ये भी काफी बढ़िया तरीके ड्रिफ्ट कर सकती है, मैं तो इन दोनों के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ यार। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये दोनों कार्स में से कौन सी कार सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है शकीफ, राजू, रमेश, हार्दिक, नीलम, रौनक, तरुण, मोदित, सागनिक, शिवेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।